चाचा गोली लग गई चाचा, कम जी मारो चाचा। आज ही फैसला होगा जॉन्टी को छोटे को निकालो गाड़ी। सर सर जोश से नहीं होश से काम लो, तुम चुपचाप घर बैठोगे, अब जो भी करूंगा मैं करूंगा। पानी मूल से ऊपर है रहो है और अब तो अतई है गई। क्या जॉन्टी की गांड में चनूना काट रहे हैं? जा रही देख लो अपने हिसाब से, अगर जे मंत्री बिगड़ गो तो चंबल में पानी तो बहगो, परवा को रंग बदल जागो। दद्दा के बाड़े पे आ जाओ। सुनो दद्दा, गलती जा जॉन्टी ने करी है पहले। जॉन्टी तुम क्या कर रहे हो? पहले अपने छोटे भाई को संभालो, एक नंबर का चूतिया वाला काम कर रहा है वो, कंचे खेलने की उम्र में गोलियों से खेल रहा है। मंत्री गलती तुम दोनों ने की है, चूतियन जैसे काम मत करो। दद्दा हम आए हुए एक आदमी मारो को है, शांति बैठेंगे। उठा बनी हमारे जंतु भैया दादा। छोड़ो यार जो हुआ, कॉम्प्रोमाइज करो, बात खत्म करो। और एक और बात, दद्दा के बारे में आवाज नीचे। जिस तरह से तुम दोनों लड़ रहे हो इससे मुरैना की शांति भंग होगी। और जॉन्टी तुम्हारे धंधे पर असर पड़ेगा और मंत्री तुम्हारी कुर्सी जा सकती है। सुनो दद्दा, तुम्हारे कहवे थे जाते राजीनामा करवे के लिए तैयार हैं, पर जाए क्षमा मांगनी होगी। सुन बे नेता के चूदे, जॉन्टी ने ना तो खुद जमा मांगी ना मांगे को। जॉन्टी भैया जिला मुरैना, नाम को घमासान है, ता सोचे ता शमशान है, समझ गो ना नेता। जब कुक्कल सिंह शांत है तो जब शांत ही बनो रहने दियो, बनना सुन 25 ग्राम पीतर ती छाती के भीतर जावे में टेम नहीं लगे वो। अबे चलाना बोली आवाज नीचे। दद्दा केवल है के सारा, दोनों ही कहानी खत्म। पर कौन नेता कौन जॉन्टी? जिस दिन मुरैना पे आंच आई ना तो तुम दोनों को सामना करना पड़ेगा दद्दा का। और साला जिस दिन दद्दा से सामना हुआ ना, दोनों की दोनों चंबल पार करा दिए जाओगे, समझे जॉन्टी? मंत्री तुम भी। क्यों जावड़े? सुना है शहर में गुंडों की मीटिंग हुई है। अरे साहब, जॉन्टी और कुक्कल सिंह के बीच में ज्यादा भवत चोदना हो इसलिए सनी दद्दा के साथ इनकी मीटिंग हुई है। क्योंकि सनी दद्दा चंबल के किंग है इसलिए सबको इनकी बात रखनी पड़ती है। अच्छा, मतलब गीदड़ों की दौड़ में
शेर भी शामिल है कोई? जंगली शेर है सर, जिसकी धाड़ से भिंड मुरैना और शिवपुर हिल जाता है। ये तो बख्ती बताएगा जावड़े, कौन हिलता है और कौन जड़ से उखड़ता है। भूकंप आएगा जावड़े, भूकंप। भैया ये इस महीने का लेखा जोखा है, आप एक बार चेक कर लो। भैया अगर खुक्कल सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया ना, तो पब्लिक में बेइज्जती का डर, और अगर लिया तो सनी दादा। छोटे एक्शन भी लेंगे और रिलीज भी करेंगे, और रही बात सनी दादा की, तो हम डीनो राजन से हाथ मिलाने जा रहे हैं, दोस्ती का बात बनती है तो हुकूमत पूरे शहर पर हमारी होगी। भैया अगर राजन नहीं माना तो छोटे संघर्ष करेंगे और पूरे शहर पर हुकूमत भी। साहब छोटे दो नंबर का माल ट्रैक में भरकर बाईपास होके गुजर रहा है। जावड़े अब आएगा असली मजा गेम में, दोनों भाइयों को ऐसा नाच नचाएंगे ना कि सारा मुरैना शहर देखता रह जाएगा। छोटे भैया पुलिस गाड़ी आ गई, बताओ क्या करूं। बोल लागत क्या छोटे खुद को पुलिस के हवाले कर दो, वरना एक गोली के चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। अबे साले तुम जानते नहीं हमारे भाई को, अगर जरा सी भी खरोच आई ना तो पूरे डिपार्टमेंट को खरोच के रख देंगे। सुनो तुम ट्रैक लेकर निकलो, हम इनसे निपटते हैं। अबे चूतिए इज्जत करो इसकी, ये पुआ ने मलाई पूरी देवी है, बड़े किस्मत से मिलती है ये। भैया छोटे छोटे ना मिलो। भैया छोटी ट्रक लेकर जा रहे हो, कोई पुलिस वाले नो बाईपास से डल लो। इतने औकात ना को पुलिस वाले की जो जॉन्टी के गलेवान पे अटा सके, पूरे चौकी थाने पे आदमी लगा दो, एक एक पल की खबर चाहिए मुझे। भैया आदमी तो एक जगह लगा दे पर कछु खबर ना मिली बाकी अभी तक। जॉन्टी भैया कहीं अपने कुक्कल सिंह का हाथ तो नहीं है? कुक्कल सिंह
अगर छोटे पे जरा सी भी आंच आई ना, पूरे शहर को आग लगा देंगे। और भूल जाना, सेव साहब को कोई बुला पाएगा। भैया खबर मिली है कि किसी पुलिस वाले ने जॉन्टी के भाई को अंडरग्राउंड कर रखा है। मीटिंग फिक्स करो त्रिपाठी से, अब खेल खत्म करने का वक्त आ चुका है। तुम अपने डैड से कब बात करोगे हम दोनों के बारे में? करूंगा। सिर सिंह कब करोगे? जब मेरी फैमिली किसी और से ब्याह करवा देगी तब। खाने दे रही हूँ। खाओ तुम बैठ के। साचे। क्या हुआ शेर सिंह को? वो जॉन्टी उठा के ले गया। तू जिंदा कैसे आ गया? कॉल लगाओ उस लंबे बाल वाले को। चार गोपकल सिंह। जॉन्टे, मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ तो तू नहीं तेरी सातों पुश्तें भुगतेंगी। तू अभी जानता नहीं मेरे को। अगर छोटे नहीं आए हो ना तो ये शेर सिंह चलो जाओ या दुनिया दिले बात कर। पापा यार अमन ने बचा लो, जॉन्टे छोड़ियो मत, पानी तक नसीब ना इंदौर है यार। कुक्कल सिंह, अगर शेर सिंह चाहिए तो हमें छोटे चाहिए। आ जाओ एक्सचेंज ऑफर खेलते हैं। तुमसे त्रिपाठी के लिए मीटिंग करने के लिए बोला था ना, क्या हुआ उसका? चाचा मैंने मीटिंग की तो बहुत पहले थे दादी भाई कान में, पर बाकी कोई रिस्पॉन्स ही ना आ रहा। चाचा फोन लगाओ उस त्रिपाठी को। त्रिपाठी, जॉन्टी ने हमारा लड़का किडनैप कर लिया है और उसने मांग रखी है कि बेटे के बदले भाई।
इतना तो तुम समझ ही रहे होंगे ना, शहर के कोतवाल हो तो। और सुनो, जो तुम कानून का पाठ जो हमको पढ़ा रहे हो ना, उसको हम पी के बैठे हैं। अगर कल शाम तक मेरा बेटा अगर मेरे घर तक नहीं पहुंचा तो तुम जानते हो बेटा तुम्हारा भी छिटवी में है, और सुना है बहुत प्यार करते हो उससे। कुछ समझा नहीं सर। पुत्र मोह बड़ी कुत्ती चीज होती है त्रिपाठी, इंसान से कुछ भी करवा सकती है, और बाकी तुम समझदार हो। सर अब क्या करेंगे? जावड़े, हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद सब कुछ होता जाएगा। चलो छोटे से उसके गुनाहों का कहूननामा लेते हैं। ठीक है सर। शंकर अपने आदमी सारे शहर में लगा दो, और जहाँ जॉन्टी के आदमी मिले ना वहाँ ठोको, बेटा किडनैप किए है हमारा। ठीक है चाचा। ले साइन कर इस पर। क्या है ये? तेरे गुनाहों की लिस्ट है ये। भूल जा रहा पार्टी और हाथ मिला ले, नाम भी होगा और टांग भी। ले जा मेजोरिटी भी जाके पास। चल सर, अभी शेर सिंह को त्रिपाठी के पास आने दो। चल तेले बहुआ आ गए। क्यों बे त्रिपाठी, हम तो खामखा तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो भैया ने खात्मा समर्पण कर दिया। चलो अब हमें भैया की ओर अर्पण करो, और जॉन्टी भैया से थोड़ा डरो। ज्यादा उछल मत, वरना जॉन्टी के सामने ही फेल दिया जाएगा, समझा? बोला मंत्री साहब ऊपर तले नहीं है कि नीचे थे। तू कह में राजी है? मैं तो सिग में राजी हूँ। तो जय आपकी छाती में ले।